अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फैंसी सूट की कटिंग करेंगे और कटिंग करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप देखते रहें हमारी वीडियो को आखिर तक देखना और देखें कि हम किस तरह से कटिंग कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना। ये है पैच, ये बैक साइड पर और फ्रंट साइड पर हम लगाएंगे। और ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड, ये बाजू और ये इसके नीचे हम पैच लगाएंगे। अब हम एयरलाइन फ्रॉक की कटिंग करेंगे। सारे पीस हमने जोड़ के रख लिए बराबर। ये नीचे शमीज और ये फ्रंट साइड, बैक साइड, पैच हमने बराबर लगा के रख लिया ऊपर। अब हम इसकी लेंथ का माप करके कटिंग करते हैं। इधर 38 से लेके इधर तक हम इसकी लेंथ का माप करते हैं और इधर निशान लगाते हैं। और 7 इंच हम तिरे का निशान लगाएंगे इधर, और 8 इंच हम कंधे का निशान लगाएंगे इधर, 20 इंच हम जस्ट का इधर निशान लगाएंगे, 18 फिटिंग इसका निशान लगाएंगे इधर। ये हमने एयरलाइन फ्रॉक की कटिंग करनी है और अब हम इस तरह से रेब करके निशान लगाएंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। इधर से हमने बाकी निशान लगा लिए और अब हमने इस पैच को उठाना है। इसको कर देंगे हम इधर, और इधर से लेके हम पैच हमने उठा दिया। और अब हम इस तरह से कर कर के इसके निशान लगा के फिर कटेंगे, कटिंग करेंगे। और इस तरह से निशान लगा के कटिंग करने से अम्ब्रेला फ्रॉक के जो कोने होते हैं वो नीचे नहीं लटकते, शेप बहुत प्यारी बन जाती है। पहले हम नीचे से कटिंग करेंगे। ये देखें एयरलाइन प्रो की कटिंग हमने कितनी प्यारी की, बहुत ही प्यारी लग रही है। अब बाजू की हम कटिंग करते हैं, निशान हमने लगा लिए। बाजू की कटिंग हमने कर ली और बहुत प्यारे लग रहे हैं। इस फ्रॉक की हमने कटिंग की थी, वो हमने सिलाई कर ली है, तो माशाल्लाह हमारी फ्रॉक ये भी बहुत ही प्यारी सिलाई होगी और बहुत ही प्यारी लग रही है। ये बैंड देखें, ये हमने लगाया है, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये बैक साइड पे हमने इसके ये जिप लगाई है, ये इसके बाजू हैं, ये भी बहुत ही प्यारे बने हुए हैं। बहुत फैंसी सूट है ये। ग्रीन के ऊपर गोल्डन कॉम, ये तो हमें बहुत ही प्यारा लगा। ये इसकी कैप्री, ये भी हमने सादा सिलाई की है। ये इसके साथ दुपट्टा, ये दुपट्टे की फ्रंट साइड, और ये उसकी जो बैक साइड है वो सिंपल है। इसको भी हमने पैपिंग की है। नीचे इसके हमने फ्रॉक की शमीज लगाई है। ये हमारी फ्रॉक बहुत ही प्यारी सिलाई हो रही हो गई। और ये इसकी बैक साइड सादा है पीछे से, और नीचे ये पैच लगा हुआ है फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे हमने पैच लगाया।
अगर आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी ज़रूर करना।